हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। और हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ये सब आपको देखने को मिलने वाला है, तो इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा देखें। मैं आज उज्जैन जा रही हूँ, मेरी मम्मी आई हुई हैं, उन्हीं को लेके मैं महाकाल जा रही हूँ, और भी कई जगह जाऊँगी, तो इसको पूरा देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। और हम लोग जब निकले बारिश स्टार्ट हो गई, यहाँ उस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, खुल ही नहीं रहा था मौसम, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और हम लोग 2 बजे के बाद निकले थे, दिन में भी बारिश हुई और जब निकले तब भी स्टार्ट हो गई, पर जाना है प्रभु के दर्शन करने हैं तो बस निकल पड़े हम लोग। और बहुत मज़ा ही, रास्ते में बारिश का आनंद लेते हुए हम लोग जा रहे थे। इंदौर में मैं रहती हूँ, वहाँ से उज्जैन थोड़ा दूर है, रास्ते का व्यू देख सकते हैं, सब पहाड़ी दिखती हैं, ऐसा व्यू बहुत कम देखने को मिलता है, और मुझे ऐसा व्यू बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा दृश्य आंखों को अच्छा लगता है। देख सकते हैं लंबी लंबी फील्ड्स, खेत पड़े हैं और पहाड़ी है, साथ में पेड़ पौधे हैं। मेरी मम्मी आई हुई हैं तो उन्हीं को मैं महाकाल के दर्शन करवाने जा रही हूँ। मेरी भतीजी भी है, मेरा भांजा है, मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड हैं, इतने ही लोग हम लोग जा रहे हैं। और एक जगह नहीं, हमें कई जगह जाना है। उज्जैन का पौराणिक महत्व है, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो विश्व विख्यात है, और उसके दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ में यहाँ बहुत चीज़ें हैं जो मैंने अभी सारी नहीं देखी हैं, और आज मैं जा रही हूँ तो बहुत चीज़ें देखनी है, जितनी चीज़ें हो सकेंगी उतनी मैं देखूंगी। उज्जैन में ही भगवान श्री कृष्ण का आश्रम है, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी, और भी बहुत चीज़ें हैं। आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। और ये मेरी मम्मी है, पीछे मेरी भतीजी है, और ये भांजा है, और हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे थे, थोड़ा सा वीडियो बनाया था जिससे हम सबकी यादें थोड़े टाइम के लिए स्टोर हो जाएं। और गाड़ी में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा हिल डुल रहा था। मम्मी को मैं बोल रही थी तो वो आप सबको हाय कर रही हैं, आप लोग हाय कर लो उनसे। मेरी मम्मी कैसी लगती हैं बताना जरूर। रास्ते का व्यू देख सकते हैं, बारिश हो रही है हल्की हल्की, खिड़की खुली हुई है, और ये दोनों पीछे बैठे हुए हैं। उसके बाद भी इनकी शैतानी कम नहीं थी, रास्ते भर इन लोगों ने बहुत शैतानी की। और ये मेरे हस्बैंड जो आगे बैठे हैं, मम्मी, और बहुत अच्छा लग रहा था जब मम्मी पहली बार इस बार मेरे घर आई हैं। और जब मम्मी साथ होती हैं तो उसकी बात ही अलग होती है, और मेरा सपना था उनको वहाँ पर ले जाना, जो फाइनली पूरा हो चुका है। और ये शायद छोटी नदी है कोई, या तालाब जैसा कुछ पड़ा था, और सामने आपको कुछ दिखने वाला है, देख सकते हैं ये बड़ा सा पहाड़ जैसा है, और ये शेषनाग भगवान, और वे ये भगवान विष्णु, समुद्र मंथन का व्यू है पूरा, आगे तालाब, और इसके बाद हम लोग कहाँ गए आप लोगों को पता चलेगा। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, उसी मंदिर हम लोग सबसे पहले गए, और मैं पहली बार यहाँ पे गई थी, और इस जगह के बारे में मुझे पहले नहीं पता था, जब मैं गई तब पता चला। देख सकते हैं इसका व्यू, प्रसाद हम लोगों ने बाहर से ले लिया था, इसके बाद हम लोगों को अंदर जाना है। और यहाँ सब लोग चप्पल उतार रहे थे, चप्पल स्टैंड है, अंदर भी था, हम लोगों को पता नहीं था, तो हम लोगों ने यहीं पर उतार दिया। मम्मी को पैर में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए हम लोग उनके साथ ही थे, उनको चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम जहाँ जहाँ हो रही थी वहाँ पे हम लोग उनको पकड़ रहे थे, जिससे उन्हें प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, इसके बाद हम लोग भी लाइन में लग गए, और आधा घंटा लग गया था हमें दर्शन करने में, आधे घंटे से ज़्यादा ही, देख सकते हैं ग्रहराज मंगल का जन्म स्थान, और इनकी माता पृथ्वी हैं, उनकी परिक्रमा करना भी ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने पहले दर्शन किए, इसके बाद माता की परिक्रमा की, इसके बाद हम लोग दूसरे मंदिर गए, वो भी आप लोगों को दिखेगा। भगवान मंगल हैं, आप लोग इनके दर्शन कर लीजिए, आपके जीवन में भी मंगल हो। इसके बाद हम लोग मंदिर से थोड़ा बाहर आए तो यहाँ पर बहुत सारे वानर बैठे थे, और ये किसी को काट नहीं रहे थे या कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। और इनको, ये मेरी भतीजी है, प्रसाद दे रही है, और ये बहुत इजीली हाथ से बहुत प्यार से उठा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। मैंने भी खिलाया था, वो वीडियो
सूट नहीं हो पाई। इसके बाद अब हम लोग वहाँ से बाहर निकल चुके हैं और ये मस्ती फिर से स्टार्ट हो गई है। अब हम लोग दूसरे मंदिर जा रहे हैं। हम लोगों को काल भैरव मंदिर जाना था पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी और मम्मी ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती थी, इसलिए हम लोग वहाँ ना जाके माँ हर सिद्धि मंदिर गए थे। वो भी काफ़ी पुराना मंदिर है और माँ हर सिद्धि विक्रमादित्य की कुल देवी हैं। ये सामने से जो ब्लैक कलर का आपको खंभा दिख रहा है, ये दिए हैं जो रात में जलते हैं और इनका व्यू बहुत प्यारा लगता है। पर हम लोग जब गए थे तो दिन था, रात में वहाँ पे नहीं गए क्योंकि हम लोगों को महाकाल भी जाना था। यहाँ पर दर्शन किए, बहुत अच्छे से माता के दर्शन हुए। यहाँ भी थोड़ा भीड़ थी पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये मैं जा रही हूँ और साथ में मम्मी हैं। हम लोगों ने यहाँ से पहले प्रसाद ले लिया, इसके बाद अंदर चले गए। काफ़ी अच्छा लगा, ये दिन इतना अच्छा निकला। दोपहर के बाद हम लोग निकले, इसके बाद तीन जगह दर्शन किए और सब जगह अच्छे से दर्शन हो गए। देख सकते हैं माता रानी आप सबके जीवन में खुशहाली लेके आए, और आप लोग भी माता हर सिद्धि के दर्शन कर लीजिए। जय माँ हर सिद्धि। और हम लोगों ने इसके बाद महाकाल के दर्शन किए। वहाँ थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी क्योंकि मम्मी के पैर में दर्द था तो उनको दूसरी लाइन से भेजा गया था और साथ में मैं थी। आप सबके जीवन में भोलेनाथ माता हर सिद्धि मंगल करें, भगवान मंगल आपके जीवन में मंगल करें। ये देख सकते हैं ये महाकाल का व्यू है रात का। और बस छोटा सा ही मैंने वीडियो बनाया था, आप सबको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भोलेनाथ आप सबको भी अपने द्वार बुलाएं। इसी कामना के साथ ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो के एंड तक देखने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच।